चार धाम गुरु जी का स्थान और गुरु जी का भव्य मंदिर वहाँ बने। हमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से ये अपील है और हमारी मांग है कि हम उसी जगह पर हम मंदिर बनाएं। अब मैं अम्बारे साहब को आमंत्रित करता हूँ, उससे पहले आने से पहले अम्बारे जी वो आए और हमें संबोधित करें। एक जोरदार द्वारा गुरु रविदास जी का और बाबा साहब का लाएंगे। वो जो वाला इस मंदिर में है, जो बोला सुन में रविदास शक्ति, हाथ खड़ा करके बोलो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, सभी संतों को, सभी कबीरदास जी को, सभी नमन करे गुरु नानक देव जी को, दुर्लभ नाथ जी को, जो भी हमारे दलित समाज के संत हुए हैं उन सबका आदर है, उनका सम्मान करें, उनके मंदिरों में जाएं, उनको सजा से मैं यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर पहुँचा हूँ और कल जैसा डिसाइड हुआ उसी के मुताबिक हर दिन हम लोग यहाँ आकर के आप लोगों के साथ हम सहयोग करेंगे। तन मन धन से हम आपका सहयोग करने का प्रयास करेंगे और आप सब लोगों से विनती है कि आप भी सभी लोग जिस तरीके से बने, चाहे जो कोई धन नहीं दे सकता वो मन से इस धरना आंदोलन के साथ रहे, चाहे कोई धन नहीं दे सकता तो वो मन से यहाँ पर आए और इस धरने को आगे सुचारू रूप से शांतिपूर्व तरीके से कैसे हम निभा सकते हैं। जब तक ये आंदोलन चलता रहना चाहिए, जब तक ये केंद्र सरकार के साथ हमारी मांग चल रही है और हमारे संत महाराज उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बातचीत सफल हो जाए। ये इस बातचीत में कोई ना कोई हमें मतलब निकल जाए और हमारा जो स्थल है, जो शहीद हुआ है, उस शहीद स्थल को पुनरागमन के तहत हम लोगों को सौंपेंगे और हम वहाँ पर भव्य रूप में मंदिर बनाएंगे। यही हमारी सद्भावना रहनी चाहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।